गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है टाइप कमांड के ऊपर, और आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कि टाइप कमांड का उपयोग हम लोग एमएस डॉस में किस प्रकार से करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थियोरिकल देखे थे कि कैसे टाइप कमांड काम करता है और टाइप कमांड क्या होते हैं और टाइप कमांड का क्या सिंटैक्स होते हैं, किस तरीके से हम टाइप कमांड को यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि टाइप कमांड वाकई कैसे काम करता है और कैसे हम लोग फाइल के अंदर किसी मैसेज को अच्छा से हम लोग देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लेट्स गो। लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है सी प्रॉम्प्ट है, और सी प्रॉम्प्ट के अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है डेटा 25, और उसके अंदर एक cp.txt नाम से आपका एक फाइल बना हुआ है। हम लोगों को इस फाइल के अंदर मैसेज क्या लिखेंगे उसी को हम लोग शो करेंगे इसमें, कि cp.txt के अंदर जो मैसेज हम डालेंगे वो मेरा यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो जाए। तो इसका कमांड हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे जिसका नाम है टाइप कमांड। टाइप कमांड से हम लोग उस cp.txt के अंदर क्या मैसेज लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग डॉस में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे और यहां से ले लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने ये अवेलेबल हो जाएंगे, और सबसे पहले हम लोगों को जो करना है, इसका थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसको हम लोगों को सी प्रॉम्प्ट में हम लोगों को आ जाना है। तो सी प्रॉम्प्ट में आने के लिए cd और slash प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे देन हम लोग सी प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। तो ये सी प्रॉम्प्ट में आ गए, अब हम लोगों को cl और s दबाना है। इससे क्या होगा, हम लोग का जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग जैसे cls किए तो सी प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को जो करना है वो है इसके अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बनाना है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग का क्या था, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट के अंदर डेटा 25 है और इसके अंदर एक फाइल है cp.txt। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड md space bar data 25। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने md space bar data 25 लिखे तो यहाँ पर बता रहा है इस सब डायरेक्टरी और फाइल डेटा 25 ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से ऑलरेडी बन चुका है, इस नाम से आपका सिस्टम जो है और नहीं लेगा। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको नाम को चेंज करना है या नाम के साथ जो आपने कोड डाले हैं उस कोड को चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे md space bar data 252, देन एंटर। देखिए ले लिया, कोड चेंज कर दिया हमने, तो ये ले लिया। नेक्स्ट हम लोगों को करना है cd space bar data 252, देन एंटर। तो ये अंदर आ गया। अब इसके अंदर हम लोगों को बनाना है एक फाइल जिसका नाम है cp.txt। तो देखिए इसको फाइल को बनाने के लिए हम लोग करेंगे copy --con फाइल का नाम cp.txt, देन एंटर। जैसे एंटर कर दिए ये हम लोगों को मैसेज लिखने के लिए कह रहा है। अब इसमें मैसेज हम क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। मैसेज लिख देते हैं I live in Deoghar। सपोज दैट ये एक मैसेज हो गया। अब हम इसमें इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये बता रहा है कि आपको इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, F6 बटन से। F6 बटन से हम लोग इसको सेव कर देंगे। जैसे F6 बटन देंगे तो यहाँ पर आ गया देखिए एक सिंबल, इसका नाम है Ctrl+Z, देन एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए लिखा हुआ आ गया one files copied, मतलब आपका जो है cp.txt नाम से एक फाइल बन गया। अब जैसे मैं dir करूँगा देखने के लिए, तो यहाँ पर जो है
मुझे फाइल के अंदर जो cp.txt फाइल है वो मुझे बता देगा, लेकिन फाइल के अंदर जो मैसेज मैंने टाइप किया वो मुझे नहीं दिखा रहा है। जैसे मैंने मैसेज टाइप किया आई लिव इन देवघर, मुझे ये देखना है, तो वो मुझे शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर cls कर देता हूँ ताकि स्क्रीन मेरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जो है मैं टाइप करूँगा टाइप स्पेस बार फाइल का नाम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, typee होता है, टाइप स्पेस बार फाइल का नाम, फाइल का नाम था cp.txt, देन इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आई लिव इन देवघर, ये मेरा मैसेज जो है शो कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी फाइल हम बनाएंगे उस फाइल के अंदर अगर मैसेज को हमको देखना है तो हम टाइप कमांड से हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा से हुआ है और ये समझ में भी आ गया होगा। और इसके थ्योरी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए, उससे आप लोगों को थ्योरिकल नॉलेज भी मिल जाएंगे। तो अगर मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, इससे मुझे आगे और इसी तरह के वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, जय हिंद।